अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नाम वसीम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। व्यूअर, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शेखावट या शेखावत। शेखावट कौम के बारे में जानेंगे, तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। शेखावट कछुआ राजपूतों की शाख है। शेखावट गोत का मुर्रसे आला बालू जी का पोता शेखा जी था। बालू जी उदयपुर के राजा का तीसरा बेटा था। इसकी जागीर अमृतसर मौजूदा राजपूताना में थी, यानी राजस्थान, मौजूदा राजस्थान। इसके तीन बेटों में मोकल बड़ा बेटा बाप का जानशीन हुआ। मोकल लावलद था और वो औलाद ना होने की वजह से बड़ा गमगीन रहता था। कहते हैं एक रोज़ बाग करामत फ़कीर शेख बुरहान, जो वही किसी जंगल में घूम रहे थे, फिरता फिरता इसके पास आया और कहा फ़कीर को थोड़ा सा दूध पिला दो। इत्तफाक से मोकल के पास जिस कदर गाय भैंसे उस वक्त मौजूद थीं, इनमें से कोई भी दूध देने वाली ना थी। मोकल खामोश हो गया। इस पर फ़कीर ने कहा इजाज़त दो, खुद दूध निकाल लूँ। मोकल ने इस बात में सर हिला दिया। फ़कीर ने एक बेदूध भैंस से दूध लिया, यानी बेदूध जो दूध फंडर हो जाती है, दूध नहीं देती। मुकल उम्र सीधा था, इसने फ़कीर को पहुंचा हुआ समझकर अर्ज किया हज़रत बे औलाद हूँ, औलाद के लिए दुआ चाहता हूँ। फ़कीर ने दुआ की और कहा अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम शेखा रखना। चनाचे खुदा की कुदरत मुकल के यहाँ उसी साल लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शेखा रखा गया और उसकी औलाद शेखावट राजपूत कहलवाई। टौर लिखता है शेख बुरहान ने शेखा को हुक्म दिया कि बच्चा जो खुदी या सेहरा इस्तेमाल करे इसे दरगाह में चढ़ा देना, स्याह पजामा और स्याह टोपी पहने, सूअर के गोश्त से कतई हजर करे, यानी ना खाए, खूनदार गोश्त ना खाए। जब उसकी नस्ल में लड़का पैदा हो तो इस पर कलमा मुहम्मदी पढ़कर कुर्बानी के बकरे का खून इस पर छिड़का जाए। 400 बरस से ज़ायद गुज़र चुके हैं लेकिन आज तक शेखावट फ़िरके में शेख की हिदायत पर अमल किया जाता है। शेखावट कौम 10,000 मुरब्बा मील में फैली हुई है, आबाद है। शेखावट कौम ने सूअर के गोश्त को मुतलक छोड़ दिया, मुकम्मल छोड़ दिया। सहरे और उदी चढ़ाने का रिवाज नहीं रहा, अब इस दौर में नहीं रहा। अलबत्ता लड़का 2 बरस की उम्र तक सहरा और काला घटना पहनते हैं, स्याह टोपी रखते हैं। इनका झंडा जर्द है मगर झंडा जर्द में इज्जत के तौर पर काला फेरिया इस्तेमाल करते हैं। शेखावट मुसलमान भी हैं और हिंदू भी, लेकिन रस्में मुश्तरक और तकरीबन जितने भी शेखावट हिंदू भी हैं सब नीम मुसलमान हैं। तो और ये थी हमारी आज की वीडियो शेखावत कौम के बारे में। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।